ओप्पो ने हाल ही में कलर ओएस 7 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो कंपनी के कस्टम एंड्रॉयड यूआई का नया वर्जन है। अब कलर ओएस दोनों ही ओप्पो और रियलमी के फोन्स में पाया जाता है, लेकिन इस बार रियलमी का कहना है कि उनके फोन्स में इंस्टॉल्ड कलर ओएस 7 कुछ रियलमी एक्सक्लूसिव फीचर्स के साथ आएगा। खैर, अभी के लिए हमारे पास एक ओप्पो का फोन है जिसमें कलर ओएस 7 इंस्टॉल्ड है, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कलर ओएस 7 के नए फीचर्स के बारे में। पर वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कलर ओएस 7 का डिजाइन बिल्कुल नया है जो काफी क्लीन लगता है और स्टॉक एंड्रॉइड से भी मिलता जुलता है। कलर ओएस 7 के इस नए वर्जन में यूआई काफी मॉडर्न और क्लीन लगता है, कलर्स थोड़े म्यूटेड हैं और कंपनी ने इसके डिजाइन के साथ एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखी है। यूजर्स को नए आर्ट वॉलपेपर्स और लाइव वॉलपेपर्स मिलते हैं, एनिमेशंस भी नए हैं, और अगर कंपनी की बात माने तो ये पहले से ज्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव हैं। बल्कि ऐप आइकन्स का शेप, कॉर्नर, बैकग्राउंड और साइज बदलने के भी विकल्प मौजूद हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कलर ओएस 7 पुराने कलर ओएस वर्जन्स के मुकाबले में क्लीन, रिफाइंड और कम कंफ्यूजिंग लगता है। कलर ओएस 7 में विजुअल इंप्रूवमेंट्स के साथ साथ ऑडियो को लेकर भी खूब सारे बदलाव किए गए हैं। सॉफ्टवेयर में नए रिंगटोन्स और नोटिफिकेशन साउंड्स हैं जो सुनने में काफी मधुर लगते हैं, और पर्सनली मुझे ये वाली रिंगटोन बड़ी पसंद है। फिर एक नया वेदर अडैप्टिव अलार्म फीचर भी दिया गया है जो आपके लोकेशन के तापमान के हिसाब से अलार्म साउंड को बदलता है। इसके साथ साथ हैप्टिक फीडबैक में भी काफी ज्यादा सुधार किया गया है। कलर ओएस 7 में एक नया जेस्चर नेविगेशन सिस्टम दिया गया है जो गूगल के एंड्रॉइड 10 सॉफ्टवेयर पर आधारित है। आप इन नए जेस्चर्स को फोन के सेटिंग्स मेन्यू में जाकर इनेबल कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर स्वाइप अप करने से ऐप ड्रॉर खुलती है, दोनों में से किसी भी साइड से स्वाइप करने पर बैक जाते हैं, स्क्रीन के दोनों ही निचले कोने से इनवर्ट स्वाइप करने पर गूगल असिस्टेंट खुलता है, और आखिर में स्वाइप अप और होल्ड करने से ऐप स्विचर खुल जाता है। कलर ओएस 7 में फोकस मोड OnePlus के फोन्स में पाए जाने वाले जेन मोड से मिलता जुलता है। इस मोड में एक विशेष समय के लिए फोन के नोटिफिकेशंस और साउंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, और बदले में एक मधुर एम्बिएंट साउंड प्ले होती है जिससे कि आप अपना ध्यान फोन से हटाकर बाकी चीजों पर भी डाल सकें। आप फोकस मोड में समय को 5 मिनट से लेकर 180 मिनट के बीच में सेट कर सकते हैं। कलर ओएस 7 में कुछ नए और इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग, जिसकी मदद से आप एक साथ स्क्रीन पर दो ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ थ्री फिंगर जेस्चर से स्क्रीनशॉट लेना काफी आसान हो जाता है। स्मार्ट साइड बार को भी रीडिजाइन किया गया है। इसमें आप स्पेसिफिक ऐप शॉर्टकट्स डाल सकते हैं जिसको किसी भी स्क्रीन से एक्सेस किया जा सकता है, और नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आप कोई भी ऑन स्क्रीन एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। होम स्क्रीन से राइट स्वाइप करने पर स्मार्ट असिस्टेंट पाया जाता है। इसकी मदद से आप अपने स्टेप काउंट पर नजर रख सकते हैं, अपने इवेंट्स और ट्रिप्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स स्कोर्स चेक कर सकते हैं और बहुत कुछ। कलर ओएस 7 में एक नया वीडियो एडिटर है जिसको डिजाइन किया गया है शॉर्ट वीडियो क्लिप्स बनाने के लिए। इसका नाम है सो लूप, और ये काम ऐसे करता है कि आप इसमें पहले अपने वीडियो क्लिप सेलेक्ट करते हैं जिनको आप एडिट करना चाहते हैं, उसके बाद ऐप अपने आप ही उन क्लिप्स को जोड़ के, ट्रिम करके, इफेक्ट्स लगा के ऑटोमेटिकली एक शॉर्ट वीडियो बना देता है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मैन्युअली भी क्लिप की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, और फिल्टर्स, इफेक्ट, सबटाइटल्स और म्यूजिक भी लगा सकते हैं। और ये थे कलर ओएस 7 के कुछ नए बेहतरीन फीचर्स। अब इन फीचर्स के साथ साथ कलर ओएस 7 में कई सारे इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये एक कंप्लीट लिस्ट है उन फोन्स की जिन्हें कलर ओएस 7 सॉफ्टवेयर जल्द ही मिलेगा।
और इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों का ColorOS 7 के बारे में क्या सुझाव है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा हिंदी की तमाम टेक खबरों के लिए gadgets.ndtv.com/hindi पर जाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।